गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीके। जीके में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 18, जिसका नेम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 18 का नेम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों? कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार करना, एक दूसरे से दूर संचार करना, उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से दूर रह के भी पास कैसे रह सकते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी रहें, आप अगर आप सूरत सिटी में रहते हैं और आपके रिलेशन वाले अहमदाबाद सिटी में रहते हैं, तो आप उनसे मिल नहीं सकते, बट आप सेलफोन का यूज़ करके उनसे अपना कम्युनिकेशन, अपना बात व्यवहार सब कुछ कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? दोज आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चूज़ द करेक्ट नेम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इन द ब्लैंक। यहाँ पर हमें नीचे ब्लैंक में कुछ कम्युनिकेशन चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, हमें उन कम्युनिकेशन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम लिखने हैं। हमें ये बॉक्स में से आंसर देख के लिखना है। आइए हम पहले आंसर बॉक्स पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर, टेलीप्रिंटर, ट्रांजिस्टर रेडियो, पोस्ट कार्ड, फैक्स, टेलीफोन, सेल फोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर एंड माइक्रोफोन। अब हम सबसे फर्स्ट नंबर पर देखते हैं ये क्या है। देखिए बच्चों और मुझे बताइए, ये किसका पिक्चर है? ये पिक्चर है फैक्स मशीन का। इसको कहते हैं फैक्स मशीन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? ये है फैक्स मशीन, FAX, फैक्स। अब मैं आपको बताती हूँ फैक्स क्या होता है, फैक्स हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है। सबसे पहले आपको समझना है फैक्स किसे कहते हैं। फैक्स में एक पेपर पर दोनों तरफ छपे हुए किसी भी टेक्स्ट या इमेज की स्कैन कॉपी होती है। फैक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीफोन लाइन के द्वारा भेजा जाता है। इसमें टेलीफोन नंबर का आउटपुट फैक्स डिवाइस से जुड़ा रहता है। किसी को भी फैक्स भेजने के लिए हमें सामने वाले व्यक्ति का फैक्स का नंबर लेना ज़रूरी है, इसे कहते हैं फैक्स। तो बच्चों, फैक्स मतलब होता है किसी भी चीज़ की कॉपी स्कैन करने के लिए, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई इमेज हो, उसको कॉपी करने के लिए हम फैक्स का यूज़ करते हैं। बट आज के टाइम में फैक्स की जगह जेरोक्स मशीन ने ले ली है। हम फैक्स का भी यूज़ करते हैं और जेरोक्स मशीन का भी यूज़ करते हैं। अब सेकंड नंबर पर है, ये किसका पिक्चर है बच्चों, बताइए? ये है ट्रांजिस्टर रेडियो। क्या है बच्चों? ये है ट्रांजिस्टर रेडियो। ट्रांजिस्टर रेडियो का यूज़ हम गाने सुनने के लिए करते हैं, या फिर इसके पहले जब हमारे पास टीवी नहीं थी, उसके पहले रेडियो था। रेडियो में न्यूज़, सॉन्ग्स, क्रिकेट कमेंट्री, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम सुन सकते थे, बट आज हम ये सभी चीज़ें टीवी में कर सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर रेडियो, TRANSISTOR RADIO, ट्रांजिस्टर रेडियो। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर सेलफोन। सेलफोन आने से हमारा जीवन और भी आसान हो गया है। आप सभी को पता है सेलफोन का यूज़ हम किस लिए करते हैं। सेलफोन का यूज़ हम अपने कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, अपने जीवन को और भी आसान तरीके से जीने के लिए हम सेलफोन का उपयोग करते हैं। अगर हमें कहीं पर जाना है तो हम अपने सेलफोन में मैप होता है, मैप के ज़रिए पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। सेलफोन से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं,
एक दूसरे को ईमेल सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को टेक्स्ट सेंड करते हैं, उसके लिए हम सेल फोन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर है माइक्रोफोन। क्या है बच्चों? ये है माइक्रोफोन, जिसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में माइक बोलते हैं, MICROPHONE, माइक्रोफोन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। नेक्स्ट पिक्चर है फिफ्थ नंबर पर, ये क्या है बच्चों? कंप्यूटर। आज का हमारा इंडिया कंप्यूटर का युग हुआ हो गया है। कंप्यूटर में हम सब कुछ कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम स्टडी कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेपर कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब की एंट्री कर सकते हैं। तो ये है बच्चों कंप्यूटर, जिससे हमारा कम्युनिकेशन इजी हो गया है, COMPUTER, कंप्यूटर। नेक्स्ट है नंबर सिक्स न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। ये है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का यूज़ हमारे लिए है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता चलता है, उसके लिए हम यूज़ होता है न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है नंबर सेवन टेलीफोन। ये है टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। टेलीफोन की जगह आज हमारे सेलफोन ने ले ली है, बट बहुत सारी जगहों पर ऑफिस में अभी भी टेलीफोन का यूज़ होता है। आपने आपके स्कूल में भी हमेशा ऑफिस स्टाफ में टेलीफोन देखा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर एट। ये क्या है बच्चों? ये है टीवी, जिसे हम कहते हैं टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न। टेलीविज़न में हम न्यूज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पूरे देश में दुनिया में क्या हो रहा है हम उससे टीवी देखकर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर नाइन टेलीप्रिंटर। ये क्या है बच्चों? ये है टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर मतलब होता है जो भी चीज़ हम टेक्स्ट या इमेज को हमें प्रिंट में चाहिए होता है, हमें जो कागज़ में चाहिए होता है, उसे कहते हैं टेलीप्रिंटर। टेली मतलब होता है किसी भी चीज़ का हिसाब किताब को, कोई भी डेटा को संभाल के रखना, उसे कहते हैं टेली। और ये है प्रिंटर, तो उस डेटा को हमें अगर उसकी कॉपी चाहिए होती है तो हम उसके कॉपी स्कैन करके टेली प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर टेन। ये क्या है बच्चों? नेक्स्ट है नंबर टेन, इसे कहते हैं पोस्ट कार्ड, POSTCARD, पोस्ट कार्ड। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले पोस्ट कार्ड होता क्या है और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। पोस्ट कार्ड एक मोटे कागज या पतले से गत्ते से बना एक आयताकार टुकड़ा होता है, जिसे संदेश लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोस्ट कार्ड क्या होता है? पोस्ट कार्ड बच्चों एक मोटे से कागज का या पुट्ठे का बना हुआ रेक्टेंगल साइज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है कागज का, जिसमें हम अपना कोई भी संदेश लिख सकते हैं और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर डाक के द्वारा, मतलब कि पोस्ट करके उसको हम भेज सकते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट कार्ड। ठीक है बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 18, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें टेलीफोन, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीप्रिंटर, पोस्ट कार्ड, फैक्स, ट्रांजिस्टर रेडियो, सेलफोन, माइक्रोफोन, ये सभी चीज़ें आने से हमारा जीवन और भी आसान हो गया है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये ब्लैंक्स में ये पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है और नीचे दिए हुए ब्लैंक्स में ये कौन सा पिक्चर है उनके नेम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।